Hello, aspirants. 21 December की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, गवर्नमेंट स्टिक्स टू इट्स गन्स एज कांग्रेस डिस्टर्ब्स हाउस। तो पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में डिस्ट्रप्शन देखे गए। कांग्रेस एक्चुअली चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपोलोजाइज करे, क्योंकि गुजरात इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ गुजरात असेंबली इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो एक डिनर पे ये कहा गया था जहाँ पे फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह भी प्रेजेंट थे। तो इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अपोलॉजी देनी चाहिए, ये डिमांड कांग्रेस कर रही है राज्यसभा में। इवन वो कह रहे हैं कि अपोलॉजी नहीं तो एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन दिया जाए। पर जो है मिस्टर वेंकैया नायडू, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हमने कहा कि कोई अपोलॉजी नहीं होगी। फिर अगला है, सर्ज इन इनकम ओवर ₹5 करोड़। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारा डेटा दिया है जो रिटर्न्स फाइल किए गए उस पे। तो उन्होंने कहा है कि 2014-15 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए हैं, तो एनुअल टैक्स ग्रॉस टैक्सेबल इनकम अबव ₹5 करोड़ जो है, अभी 4,499 लोगों ने फाइल किया है इसके लिए। तो ये 63% ज्यादा है देन द लास्ट थ्री प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पे वही देखा गया है कि मोर देन 5 करोड़ इनकम, इवन सैलरी नॉन सैलरी दोनों हो सकती है, सैलरी इनकम ऑफ मोर देन 5 करोड़ भी 109% से इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2011-12। और इवन लेस देन 5 लाख एनुअल इनकम जो है, ये ग्रो काफी कम पेस पे, 27% के पेस पे हुआ है। तो ये रीसेंट डेटा जो है वो सामने आया है। और टोटल पॉपुलेशन कंट्री का अराउंड 130 करोड़ है, जिसमें से ओनली 3.13% इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। तो ये भी है, तो सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अब रखा गया है। तो इवन एनुअल इनकम अबव ₹500 करोड़ एक एंटिटी ने रजिस्टर किया है। ये पूरी डिटेल्स दी गई है। फिर अगला न्यूज आइटम है, कर्नाटका लीडर्स आस्क गोवा फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम महादाई। तो ये महादाई रिवर के बारे में है जो कर्नाटका से फ्लो होके गोवा पहुंचती है, फिर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है पानाजी। तो यहाँ पे कर्नाटका में ये काफी कम है, मतलब 28.8 किलोमीटर कर्नाटका में फ्लो होती है और बाकी की मेजोरिटी जो है 81.2 किलोमीटर ये गोवा में महादाई रिवर फ्लो होती है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट यहाँ पे एक्चुअली प्लान कर रहे हैं 60 डैम्स बनाने का। तो इस वजह से वाटर डाइवर्ट किया जाएगा उनके वाटर स्टाफ मलप्रभा बेसिन में, नॉर्थ कर्नाटका में। तो इसको गोवा ने चैलेंज किया है, महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। तो अब यहाँ पे कर्नाटका एक्चुअली डिमांड कर रही है, न्यूज ये है कि वो गोवा से, बीजेपी लीडर्स है कर्नाटका में भी, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो गोवा चीफ मिनिस्टर मनमोहन पारिकर को वो अपील कर रहे हैं कि उनको कर्नाटका को यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए वाटर यूज करने के अलाउ किया जाए महादाई रिवर से। तो ये सजेशन है। तो ये कलसा बंदूरी डैम्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं बाय कर्नाटक का, प्लान किए जा रहे हैं टू डाइवर्ट वाटर। ये है मलप्रभा वाटर स्टाउट रीजन, मलप्रभा रिवर भी बताई गई और ये महादाई रिवर फ्लो। तो ये काफी पुराना डिस्प्यूट है, इसके ऊपर फाइनली 2010 में रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय जस्टिस जेएम पंचाल। तो यहाँ पे 2016 में जो उन्होंने इंटरिम ऑर्डर भी दिया है उसके अंदर उन्होंने कर्नाटका को अलाव नहीं किया ये प्रोजेक्ट्स का आगे जाने के लिए, क्योंकि इकोलॉजिकल डैमेज भी इन प्रोजेक्ट से होगा। फिर अगला है, पाकिस्तान अश्योर्स अकालीज ऑफ प्रोब इनटू कन्वर्जन रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे रिसेंटली न्यूज आई है कि 6 जो पाकिस्तान में है उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में इन खैबर पुख्तानवा प्रोविंस। तो ये इसके ऊपर अक्षिरोमानी अकाली दल डेलीगेशन ने मुलाकात की पाकिस्तान के हाई कमिश्नर टू इंडिया से और उनको अश्योरेंस दिया गया अब कि पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगी इनके इसके बारे में इंक्वायर करने के लिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इवन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने भी कहा कि इंडिया ये मैटर को हाईएस्ट लेवल तक ले जाएगी विद पाकिस्तान गवर्नमेंट। फिर अगला है, यूपीसीओसी बिल टेबल्ड अपोजिशन फ्यूम्स। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये सेम न्यूज है, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बिल 2017। तो जैसे महाराष्ट्र में ऐसा लॉ है मुक्का,
वैसे ही यूपी गवर्नमेंट इसी लाइंस पे लॉ बनाना चाहती है ऑर्गेनाइज क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने ये बिल रखा है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो इसके ऊपर अपोजिशन यहाँ पे कह रही है कि इसको एक्चुअली यूज किया जाएगा राइवल्स को सप्रेस करने के लिए, पॉलिटिकल नो बदले लेने के लिए और स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए। तो वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस बिल में स्पेशल पावर्स दिए जा रहे हैं पुलिस को कि वो ऑफेंडर्स को अरेस्ट कर सके, एज सच इवन प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट से, कर सकती है प्रॉपर्टी सीज, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे इन सारे केसेस के लिए, तो उनके अप्रूवल से एक्शन भी लिया जा सकता है। मिनिमम जेल टर्म इसमें 3 इयर्स का है और मैक्सिमम लाइफ सेंटेंस टू इवन डेथ है। तो ये है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। तो यहाँ पे जो क्राइम्स इस बिल के अंदर मेंशन किए गए हैं वो है लैंड ग्रैब, इलीगल माइनिंग, इलीगल मेडिसिन, इलिशिट लिकर, मनी लॉन्ड्रिंग, वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग, इवन मर्डर, कॉन्स्पिरेसी मर्डर, व्हाइट कॉलर क्राइम्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं। तो ऑलरेडी यूपी में एक लॉ है गैंगस्टर एक्ट, तो इसके अलावा यहाँ पे इस यूपी कोका में आप 28 और प्रोविजंस है फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक बार पहले भी ऐसा अटेम्प्ट किया गया बाय मायावती गवर्नमेंट इन 2007-8, पर इस लॉ को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने असेंट नहीं दिया, तो ये एनफोर्स नहीं हुआ। तो ये है, तो यहाँ पे मेंशन किए गए यूपी कोका के मेजर प्रोविजंस और उसका अपोजिशन। फिर अगला है दिल्ली कुड हैव बीन अ मॉडल फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटीज के, नेशनल कैपिटल रीजन के अथॉरिटीज का इनएक्शन के लिए कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये लैंडफिल साइट्स क्लीन करने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए, इवन रेसिडेंशियल लेवल पे काफी सपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि वो रेडी है सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग और क्लियरिंग अप करने के लिए, पर अथॉरिटीज ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई एक्शन नहीं लिया, इसको सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज कर रही है। फिर अगला है नो प्लान टू टेक अवे जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस सेज सेंटर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने राज्यसभा में कहा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल नहीं है आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है पार्लियामेंट में ये स्टेप लेने के लिए। तो ये जो आर्टिकल्स है इसमें स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर को। इवन आर्टिकल 35A के अगेंस्ट रिट पिटीशन भी फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि ये जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि आर्टिकल 35A के अंदर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दिए गए है कि वो परमानेंट रेसिडेंट्स वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के आइडेंटिफाई कर सकती है, और फिर नॉन रेसिडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता है यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, इवन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और इवन वोटिंग इन लोकल इलेक्शंस। और ये आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954। तो आर्टिकल 368 के अंदर इसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया था, इसलिए भी इसको चैलेंज किया जा रहा है। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये दोनों जो है आर्टिकल्स इनको अपोज किया जा रहा है, पर कोई प्रेजेंट प्लान नहीं है इनको रिपील करने का, ये भी अश्योरेंस दिया गया है। तो ये है जो लीगल चैलेंज है, वो भी डिटेल्ड आउट है। फिर अगला है टाइनी स्कॉर्पियन पैक्स अ पंच। तो ये एक वुड स्कॉर्पियन स्पीशीज डिस्कवर की गई है इंडिया में त्रिपुरा के त्रिष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसको नाम दिया गया शेलर्स वुड स्कॉर्पियन। तो ये वुड स्कॉर्पियन स्पीशीज स्कॉर्पियंस जो हम जनरली देखते हैं वैसे नहीं होते, डॉफ स्कॉर्पियंस होते हैं। इनकी साइज अराउंड 3 सेंटीमीटर ही होती है। तो ये बरोज में ग्राउंड में रहते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना, स्पॉट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये स्पीशीज जीशान मिर्जा साइंटिस्ट ने डिस्कवर की रिसेंटली, और उसको नाम दिया गया शेलर आफ्टर द फेमस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जॉर्ज शेलर। तो ये है, तो ये 11th स्पीशीज है वुड स्कॉर्पियन की इंडिया से। तो ये इसके पिंसर्स काफी बड़े और पावरफुल होते हैं, जिससे ये अपना प्रे को मार सकते हैं। जो ये पिंसर्स बताया गया, ये लीफ पे वुड स्कॉर्पियन बताया गया, तो काफी स्मॉल स्पीशीज होती है। फिर अगला है 2017 माइट बी अमंग टॉप 3 हॉटेस्ट इयर्स ऑन रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट दी है, उसमें ये उन्होंने कहा है कि ग्लोबल लैंड और ओशन टेम्परेचर 2017 में काफी हाई रहे हैं, जिससे दिस इज अमंग द 3 वार्मेस्ट ईयर्स। तो वार्मेस्ट ईयर 2016 है, 2015 और 2017 will be the third warmest year. But अगर without El Nino देखा जाए तो this is the warmest year on record. ऐसे expected है, क्योंकि El Nino था नहीं, फिर भी 2017 काफी warm रहा है।
ये सारा जो डेटा आया है फ्रॉम यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस डेटा के हिसाब से भी आर्कटिक एंटार्कटिक सी आइस कवरेज जो है वो रिकॉर्ड लो लेवल्स पे है फिलहाल। और लास्ट न्यूज आइटम है, यूएस लिफ्ट्स बैन ऑन फंड्स टू डेवलप लीथल वायरसेस। तो यूएस ने अब जो उन्होंने बैन लगाई थी 3 साल पहले उसको हटा दी है। तो ये बैन थी ऑन फंडिंग रिसर्च, तो वो रिसर्च ये फंड कर रहे थे जिससे जर्म्स को और डेंजरस बनाया जाए। तो इस रिसर्च पे बैन लगाया गया था, अब ये बैन हटा दिया गया है कि फंडिंग करेंगे अभी भी यूएस गवर्नमेंट एज सच। तो ये जर्म्स को क्यों और डेंजरस बनाया जा रहा था, तो ये लैब रिसर्च की जा रही थी कि वो स्टडी कर सके कि कैसे ये जर्म्स जो है वो अफेक्ट कर सकते ह्यूमंस को और इससे बेटर वैक्सीन फिर बना सके वो। पर ये हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा है, क्रिटिक्स भी है, वो कहते हैं कि मॉन्स्टर जर्म बन जाएगा और ये लैब से एस्केप हो गया तो पैंडेमिक हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था, फंडिंग पे 3 ईयर मॉरेटोरियम भी था, पर अब इसको हटा दिया गया। ये मॉरेटोरियम 2014 अक्टूबर में आया था जब यूएस फेडरल फंडिंग सब स्टॉप की गई थी इन सब रिसर्चेस के लिए, क्योंकि 3 वायरसेस बनाए जा रहे, डेंजरस वायरसेस बनाए जा रहे थे, एक फ्लू वायरस, एक मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए और एक सार्स सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए। तो ये इनको और डेंजरस बनाने के लिए वायरसेस को, ये जो रिसर्च चल रही थी इसके ऊपर फेडरल फंडिंग बंद किया गया, लेकिन अब इसको फिर से रिवाइव किया गया है। तो काफी डिबेटेबल ये इशू है, इसको गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं, मतलब ये जर्म्स को और फंक्शन दिया जा रहा है, इनको और डेडली बनाया जा रहा है और ट्रांसमिसिबल बनाया जा रहा है। तो ये है, तो ये लॉस ऑफ फंक्शन गेन ऑफ फंक्शन दिखाया गया कि कैसे डीएनए ऑल्टर किया जा सकता है और लॉस ऑफ फंक्शन या गेन ऑफ फंक्शन किया जा सकता है। तो इवन बर्ड फ्लू वायरस के ऊपर भी यहाँ पे जो है री इंजीनियरिंग किया जा रहा था कि ये मैमल्स को कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले नॉर्मली ये H5N1 बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये और ये जो अक्टूबर 2014 का हमने डिस्कस किया फॉर इन्फ्लुएंजा सार्स एंड मर्स रिसर्च, तो ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अब फेडरल फंडिंग फिर से दिया जा रहा है। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।